पति ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में चाकू से वार किया, यानी कि चाकू को घुसेड़ा गया और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उस लाश के अंदर नमक भर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पति इतना दरिंदा हुआ? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है रांची के नीलमणि इलाके की। रांची के नीलमणि में बिलाल अहमद नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र है 28 साल। दोस्तों, वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में आराम से रहा करता है और अब क्या होता है, उसकी नज़रें पड़ोस की एक लड़की सोफिया से मिल जाती हैं। सोफिया से जैसे उसकी नज़रें मिल जाती हैं तो एक साथ जीने मरने की कसमें वो खाने लगता है उसके साथ। उसके बाद दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं और बिलाल अहमद अपनी पत्नी को छोड़ देता है अपनी प्रेमिका के ऊपर। अब वह अपनी प्रेमिका से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगते हैं और झगड़े जैसे होने लगते हैं तो उसकी जो प्रेमिका होती है सोफिया, वह बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो जाती है और अब वह कोर्ट में केस दर्ज कर दे पुलिस थाने जाती है और उस प्रेमी बिलाल अहमद के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करवा आती है। पुलिस बिलाल अहमद को अरेस्ट करके उसको जेल में भेज देती है और अब घर पर सोफिया अकेली रह जाती है। अब दोस्तों सोफिया की नज़रें पड़ोस के उसी के एक दोस्त से, जिसका नाम होता है शकील, उससे मिलने लगती हैं। अब सोफिया उससे प्यार करने लगती है, शकील भी उससे प्यार करने लगता है। दोस्तों दोनों शादी करने का प्लान बनाते हैं, सोफिया और शकील शादी करते हैं और फिर वो दोनों दिल्ली चले जाते हैं कमाने खाने के लिए, वहाँ जाकर नौकरी वगैरह करते हैं। लेकिन दोस्तों वही परेशानी यहाँ पर आती है, कुछ समय के बाद सोफिया अब अपने नए पति के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगती है, उन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है तो शकील उसको छोड़ देता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। अब क्या होता है दोस्तों, सोफिया अपने घर आकर रहने लगती है क्योंकि उसके दूसरे पति शकील ने तो उसको तलाक दे दिया था। अपने घर आकर रहने लगती है, तभी इसी बीच एक साल गुजर जाता है। एक साल गुजरने के बाद जो बिलाल अहमद है वह जेल से वापस आता है और सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने जिस प्रेमिका की खातिर तुम्हें छोड़ा था उस प्रेमिका ने तो मुझे छोड़ दिया और जेल में भिजवा दिया। उसकी पहली पत्नी उसे माफ़ कर देती है और फिर उसके बाद दोस्तों बिलाल अहमद अपना बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है सोफिया से। इस प्लानिंग में उसकी पहली पत्नी भी शामिल हो जाती है और अब प्लानिंग के तहत सोफिया को वह जंगलों में बुलाते हैं। सोफिया जाती है मिलने के लिए और एकदम से सोफिया को समझ पाती है, सोफिया के सामने चाकू लेकर आ जाता है। सोफिया यही समझती है मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब बात कुछ ऊपर लेवल तक बढ़ चुकी थी। वह सोफिया के सामने आकर के बिलाल अहमद के प्राइवेट पार्ट में चाकू को घुसेड़ देता है। उसके बाद वह चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है, फिर वह उसके ऊपर वार भी करता है। दोस्तों सोफिया ज़मीन पर गिर जाती है और बिलाल अहमद उसकी छाती पर बैठ जाता है और अब सोफिया चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन बिलाल अहमद उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और वह चिल्लाती रहती है, वह उसकी गर्दन को धीरे धीरे काटता रहता है। थोड़ी देर में गर्दन कटकर अलग हो जाती है। दोस्तों उसके बाद वह दोनों पति पत्नी और जो उसकी पत्नी होती है बिलाल अहमद की, वह सारा नज़ारा दूर से खड़ी हुई देख रही होती है और आनंद ले रही होती है। उसके बाद दोस्तों वह गड्ढा खोदते हैं उसी जंगल के अंदर और उसकी गर्दन को तो वो रख लेते हैं और उसके धड़ को बोटी बोटी काट के उसमें नमक भर दिया जाता है और उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता है, जिससे कि जल्दी से डेड बॉडी गल जाए। उसके बाद उसके सर को वो गहरे जंगल में फेंक कर अपने घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब किसी को ना इसकी पहचान होगी और सर को जानवर खा जाएंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों जानवर उस डेड बॉडी को बाहर खींच लेते हैं। पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है गांव वालों के द्वारा कि यहां पर एक डेड बॉडी निकली है। पुलिस वहां पहुंचती है, मामले की छानबीन करती है। उस डेड बॉडी को देखा जाता है तो वहां पर कोई पहचान नहीं होती है उस लड़की की। वह कहती है कि क्योंकि पुलिस को सिर्फ धड़ धड़ मिला था, उसकी गर्दन तो वहां पर थी ही नहीं। फिर पुलिस उसके कटे हुए सर को इधर उधर ढूंढती है तो जंगलों में उसका कटा हुआ सर मिल जाता है और उसकी पहचान हो जाती है। जैसे ही उसकी पहचान होती है तो सोफिया के घर वालों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है तुम्हें किसके ऊपर शक है, तो सोफिया के घर वाले सीधा नाम बिलाल अहमद के ऊपर लगा देते हैं क्योंकि वह जेल से आया था, उसको बदला लेना था। दोस्तों उसके बाद पुलिस बिलाल अहमद को अरेस्ट कर लेती है, उससे पूछताछ करती है तो वह सारी घटना अपने मुंह से बयां करने लगता है, जैसे कि वह बताने के लिए ही बैठा था। दोस्तों पुलिस को वह सारी घटना बता देता है, इसने मुझे धोखा दिया और इसने मुझे जेल में भिजवाया, इसलिए मैंने इससे अपना बदला ले लिया। वह अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि वह भी मेरे साथ थे। दोस्तों उन पति पत्नियों को पुलिस अरेस्ट करके जेल में भेज देती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और फिर से अब वह जेल काटेगा बिलाल अहमद और अब की बार उसकी पत्नी भी उसके साथ जेल काटेगी। पत्नी कितनी बेवकूफ़ थी, जिस पति ने उसको धोखा दिया उसी पति के साथ मिलकर जुर्म कर दिया
और अपने जीवन को नरक बना लिया, अब उसकी ज़िंदगी बाकी की जेल में कटेगी। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ पे बिलाल अहमद को क्या सज़ा मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, वह जो औरत थी सोफिया, उसको भी अलग अलग प्रेमी, उसको भी अलग अलग पतियों के साथ जाने का चस्का था, उसकी गलती थी या बिलाल अहमद की गलती थी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और अगर आप स्टार बटन का यूज़ करना चाहते हैं, स्टार देना चाहते हैं, तो आप नीचे स्टार बटन का यूज़ कर सकते हैं। स्टार बटन आ चुका है हमारे पेज पर। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो स्पेशल थैंक्स का बटन भी आ चुका है, आप वहां पर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और इनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपको छोटी सी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।